आज क्या स्टार्ट कर रहे हैं? वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी या कंपनी का समापन। समझ में आ रहा है वर्ड से वाइंडिंग अप, आप सबको पता भी, और समापन से कि कंपनी की किसकी बात कर रहा है, एंड की बात कर रहा है, जब कंपनी क्या होने लगती है, खत्म होने लगती है। तो हमें क्या के किस कंडीशन में होती है, क्या होता है कंपनी का समापन, मुझे ये सारी चीजें क्या करना है, समझना है कि कंपनी का समापन कैसे होता है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे या इसका अर्थ बोल सकते हैं, इसकी परिभाषा बोल सकते हैं कि क्या होता है। अगर एकदम सरल भाषा में या सरल शब्दों में मैं देखूं तो कंपनी के समापन से क्या आशय है, उस प्रक्रिया या एक ऐसी प्रोसेस से है जिसके द्वारा कंपनी का वैधानिक रूप से अंत अथवा समापन हो जाता है, कंपनी समाप्त हो जाती है। लेकिन किस रूप में, उसके क्या बोल रहा है, वैधानिक। मतलब कि मुझे क्या समझ में आया कि समापन मतलब या वाइंडिंग अप क्या है, एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के थ्रू हम कंपनी को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं या एंड कर सकते हैं इन लीगल फॉर्म। क्लियर है क्या बोल रहा है कि कंपनी के समापन से आशय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा कंपनी का वैधानिक रूप से अंत अथवा समापन हो जाता है। एक कंपनी कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण स्वाभाविक रूप से समाप्त नहीं होती। जिस प्रकार कंपनी का निर्माण कंपनी अधिनियम द्वारा होता है, उसी प्रकार कंपनी का अंत भी कंपनी अधिनियम द्वारा किया जाता है। ठीक है, हमने देखा था कि कंपनी जो होती है वो कैसी होती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। आर्टिफिशियल पर्सन है तो एंड नहीं हो सकता, बट क्या बोल सकते हैं, इन द बुक्स और इन द लीगल फॉर्म हम उसको क्या कर देते हैं, वाइंड अप कर देते हैं या एंड कर देते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वाइंडिंग अप या समापन। तो क्या बोल रहा है कि जैसे हम कंपनी को फॉर्मेशन करते हैं, किस किसके अंतर्गत अंतर्गत करते हैं, कंपनीज एक्ट के अंदर करते हैं, वैसे ही हम कंपनी का जब वाइंड अप करेंगे तो किसके कौन से रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, कंपनीज एक्ट के रूल्स और रेगुलेशन को। द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी कैन बी टर्मिनेटेड बाय मीन्स ऑफ वाइंडिंग अप। द प्रोसेस ऑफ विच द कंपनी इज डिसॉल्व्ड इज नोन एज वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी इज प्रोसीडिंग इन अ विच द को बिजनेस इज क्लोज डाउन, सेल ऑफ इट्स असेट एंड द क्रेडिटर आर पेड, द बैलेंस ऑफ असेट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द मेंबर्स। जैसे हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जब वाइंड अप का वाइंडिंग अप की सिचुएशन होती है तब क्या किया जाता है, ऐसे हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में वाइंडिंग अप या समापन होता क्या है। तो मुझे इतना समझ में आया कि वाइंडिंग अप और समापन जो है वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर कंपनी को क्या किया जाता है, कंपनी जब एंड होने लगती, खत्म होने लगती है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उस पूरी प्रोसेस को, जिसके जिस प्रोसेस से या जिस स्टेप्स में उसका क्या होता है, समापन होता है, एंड होता है। क्या क्या हो सकता है वो अभी हम आगे हम देखेंगे। कंपनी की समापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उसका जीवन समाप्त किया जाता है और उसकी संपत्ति उसके ऋणदाताओं तथा सदस्यों के लाभ के लिए प्रयुक्त की जाती है। एक प्रशासक जिसे निस्तारक कहते हैं नियुक्त किया जाता है, जो कंपनी का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है, संपत्ति को एकत्र करता है, ऋणदाताओं को भुगतान करता है, यदि कोई शेष बचता है तो उसे सदस्यों में उनके अधिकारों के अनुसार बांट देता है। क्या बोल रहा है, डेफिनेशन बोल रहा था ग्रोबर, प्रोफेसर ग्रोबर के अनुसार कंपनी का समापन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसके द्वारा उसका जीवन समाप्त किया जाता है, उसकी संपत्ति को उसके ऋणदाताओं तथा सदस्यों को लाभ के लिए प्रयुक्त की जाती है, उसके उस एक प्रशासक जिसे निस्तारक कहते हैं नियुक्त किया जाता है, जो कंपनी का नियंत्रण अपने हाथ में लेता है, संपत्ति को एकत्र करता है जितनी उसकी असेट्स है पूरी को, ऋणदाताओं को भुगतान करता है, अगर फिर भी कोई शेष बच जाता है तो उसे सदस्यों में उनके अधिकारों के अनुसार बांट देता है। मैं इसको इंग्लिश में बताती हूँ। वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी इज अ प्रोसेस वेयर बाय इट्स लाइफ इज एंडेड एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेटर
administrated for the benefit of its creditors and members. The administrator called liquidator. It is appointed and he takes control of the company, collects its assets, pays its debts, and finally distribute any surplus among the member in accordance with their rights. क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पहले किसको देना है, बाद को किस बाद में किसको देना है, तो जैसे उनके rights होंगे उनके according उनको क्या कर देता है, distribute कर देता है. It is a process. एक और definition देख लेते हैं. M.C. कुचल के अनुसार कंपनी के समापन अथवा समाप्ति से आशय उस प्रक्रिया से है जो एक कंपनी के जीवन का अंत करती है. क्या बोल रहा है? The winding up or liquidation of a company is a process to bring about an end to the life of a company. जब कंपनी की लाइफ क्या हो जाती है, एंड हो जाती है. उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के थ्रू कंपनी की लाइफ एंड होती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वाइंडिंग अप या समापन. क्लियर है समापन क्या होता है? अब उसके बाद हम लोग एक क्या पहुंचे, निष्कर्ष पे पहुंचे, एक कंक्लूजन पे पहुंचे. एक और डेफिनेशन बता देती हूँ. वाइंडिंग अप अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट के सुपरविजन में किया जाता है. क्या बोल रहा है? कंपनी के समापन से आशय ऐसी प्रक्रिया से है जिसके द्वारा कंपनी का अंत हो जाता है तथा उसकी संपत्तियों से धन वसूल करके जो भी उसकी एसेट्स होती है उनसे पूरा क्या किया, उनसे रिकवरी कर किया जाता है और उनसे उनके जो भी डेटर होते हैं ऋणदाताओं को भुगतान किया जाता है और जो कुछ शेष बच जाता है, रिमेनिंग पार्ट जो होता है उसके सदस्यों में उनके आधार, उनके अधिकारों के अनुपात में लौटा दिया जाता है. जो जिसका जितना राइट होगा उसके अकॉर्डिंग उसको लौटा दिया जाता है. तो ये हमने क्या पढ़ा, वाइंडिंग अप, कंपनी का समापन क्या होता है, उसका मीनिंग, उसका डेफिनेशन. अब उसके इसके क्या है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, या जिसको बोलते हैं कंपनी के समापन की विशेषताएं अथवा लक्षण, या जिसको मैं बोल रही हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी. तो क्या बोल रहा है, कंपनी के समापन के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं. क्या है कंपनी की समापन, कंपनी समापन एक प्रक्रिया है, मतलब इट इज अ प्रोसेस. वाइंडिंग अप, कंपनी वाइंडिंग अप जो भी है वो क्या है, एक प्रोसेस है. कंपनी समापन कंपनी के विघटन से भिन्न होती. अब देखो कंपनी का विघटन और कंपनी का समापन दो अलग अलग चीजें होती हैं, है ना. तो ये इससे क्या होता है, अलग होता है. कंपनी के समापन का आशय कंपनी के दिवालियापन से कदापि नहीं है, इनसॉल्वेंसी से नहीं है इसका मीनिंग. का किसी कंपनी का उसकी अच्छी आर्थिक स्थिति में भी समापन किया जा सकता है. उसके अलग अलग रीजन होते हैं, हम पहले भी देख डिस्कस कर चुके हैं, अभी और भी डिस्कस करेंगे. समापन की प्रक्रिया में सबसे पहले संपत्तियों का मूल तथा अदत्त राशियों की वसूली की जाती है. हमने डेफिनेशन में देखा कि सबसे पहले हम क्या देखेंगे, उसके पास कितनी असेट्स है उनको, उनका वैल्यूएशन करेंगे. उसके बाद उनके जो भी ऋणदाता होंगे उनको उसका भुगतान करेंगे. तत्पश्चात ऋणदाताओं तथा उसके क्रम में भुगतान किया जाता है. हमने देखा पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, फिर इक्विटी शेयर होल्डर को, ऐसे करके हमने क्या देखा था, एक पे करने का भी क्या होता है, सबके अलग अलग राइट्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग उनको क्या किया था, अधिकारों के अकॉर्डिंग उनको दिया जाता है. तो सबसे पहले देखेंगे कि उसके पास कितनी संपत्ति है, उन संपत्तियों को पूरा कलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद उनका भुगतान किया जाएगा. अब हमको मेन उसके कैरेक्टर सबसे पहले क्या समझ में आया, कैरेक्टरिस्टिक्स या लक्षण में, एक प्रोसेस है, विघटन से अलग होती है, इसका मीनिंग इनसॉल्वेंसी से बिल्कुल भी नहीं निकाला जा सकता. पहले कंपनी के पास जितनी असेट्स है जो उसको वैल्यूएट किया जाता है, उसके बाद उसका पेमेंट किया जाता है. अब मैं अगर देखूँ तो कंपनी का समापन जो है ना, वो मेनली टू पार्ट में किया जाता है. उसकी दो, बोलना चाहिए दो विधियाँ होती हैं. कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहला देखो, जैसे इसमें भी दिख रहा है कंपलसरी वाइंडिंग अप, दूसरा दिख रहा है वॉलेंट्री. तो मेन दो दो होती हैं, और तीसरा लिखा है वाइंडिंग अप अंडर द सुपरविजन ऑफ द कोर्ट. ये तीसरा सिचुएशन जो है वो अलग सिचुएशन में आएगा. मेनली अगर देखा जाए तो कंपनी का जो वाइंडिंग अप, या बोलना चाहिए किसी कंपनी का जो समापन है, वो दो विधियों से किया जाता है. पहला
अनिवार्य समापन और दूसरा ऐच्छिक समापन। अब हम इनको समझ लेते हैं कि क्या होता है अनिवार्य और ऐच्छिक समापन। सबसे पहले ये मोड ऑफ वाइंडिंग अप या इसकी बोलना चाहिए विधियां हैं, कंपल्सरी वाइंडिंग अप बाय कोर्ट। कंपल्सरी वाइंडिंग अप जो किया जाता है उसके बारे में बता रहे हैं। कंपल्सरी वाइंडिंग अप में क्या होता है, जब कंपनी का समापन अधिकरण द्वारा किया जाता है तो वह अधिकरण द्वारा समापन या अनिवार्य समापन कहलाता है ना। कंपल्सरी वाइंडिंग अप बाय कोर्ट के बारे में बोल रहा है। कंपनी अधिनियम के अनुसार, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, जब कंपनी का फॉर्मेशन हो रहा था तब भी कैसे हो रहा था, कंपनीज एक्ट के अंदर हो रहा था, तो इसका वाइंडिंग अप भी कौन से रूल्स रेगुलेशन से होगा, कंपनीज एक्ट के। तो कंपनी अधिनियम के अनुसार कंपनी का अधिकरण द्वारा समापन कौन कौन सी कंडीशन में किया जा सकता है। सबसे पहले हमने क्या देखा, इसमें क्या बोल रहा है, टू थिंग्स मस्ट बी शोन बिफोर द कोर्ट विल मेक अ वाइंडिंग अप ऑर्डर ऑन पिटीशन। देखो अब क्या बोल रहा है वो, उसके बारे में हम लोग भी डिस्कस करते हैं कि क्या कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, जब कंपनी समापन के अनुबंध में विशेष प्रस्ताव पारित करे। If the company has by special resolution resolved that the company should be bound up by the court, फिर क्या बोल रहा है, If the company is unable to pay its debt, जब कंपनी भारत की प्रभुसत्ता व अखंडता के विरुद्ध कार्य करे, ये भी एक रीजन हो सकता है। कंपल्सरी मतलब कि अनिवार्य है आपको अपनी कंपनी बंद करना, तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं या क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, जब कंपनी खुद ही क्या करे, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू क्या करे, एक ऐसा विशेष प्रस्ताव पारित करे, या कंपनी कुछ ऐसा काम कर रही है जो उस कंट्री की, जैसे भारत की इंडिया की बात करें तो उसकी प्रभुसत्ता या अखंडता के विरुद्ध काम करे, तो उसे कंपल्सरी बंद करना पड़ेगा। जब कंपनी के कार्य कपटपूर्ण ढंग से चल रहे हों या कंपनी कपट करने या गैर कानूनी कार्य करने के लिए स्थापित की गई हो। बहुत सारी कंपनी किसके लिए बनाई जाती हैं, गलत कामों के लिए बनाई जाती हैं। तो वो क्या बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग, कि अगर कोई कंपनी ऐसा काम कर रही होगी तो भी कंपनी को क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, जब कंपनी ने लगातार 5 वर्षों से अपने वित्तीय विवरण या वार्षिक विवरण रजिस्ट्रार के पास दर्ज ना कियो। हमने क्या बोला था कि उसको सारी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार को देनी है, अगर वो 5 साल हो गए और फिर भी उसने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, रजिस्ट्रार के पास नहीं करवाया है उसको कंप्लीट, तो भी उस कंडीशन में उस कंपनी को कंपल्सरीली क्या कर सकते हैं, वाइंड अप या बंद कर सकते हैं। कंपनी अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ हो, जब वो अपना क्या नहीं कर पा रही हो, हमने यहाँ पे देखा था द कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स डेब्ट, द कंपनी डज नॉट कॉमर्स इट्स बिजनेस विद इन अ ईयर फ्रॉम इट्स इनकॉर्पोरेशन और सस्पेंड इट बिजनेस फॉर अ होल ईयर, उसने एक पूरे साल काम नहीं किया। व्हेन द पीरियड फिक्स्ड फॉर ड्यूरेशन ऑफ को बाय कंपनी बाय मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल एक्सपायरीज और इवेंट इफ एनी ऑकर ऑन द ऑकरेंस ऑफ विच द मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल प्रोवाइडेड दैट द कंपनी इज टू बी डिसॉल्व। फिर क्या बोल रहा है, द कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन दैट इट जस्ट इक्विटेबल दैट द कंपनी शुड बी बाउंड अप। कभी गलत काम कर रही है, अनलॉफुल पर्पज से कोई काम कर रही है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो वो कंपनी को क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया। कंपनी यूज्ड और एक्ट अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन इफ कंपनी केस इज टू हैव अ मेंबर्स। तो मेनली मुझे क्या समझ में आया कि जब कंपनी समापन के अनुबंध में विशेष प्रस्ताव पारित करेगी, वो भारत के या अपनी नेशन के अगेंस्ट कुछ काम कर रही है, वो कंपनी चला नहीं पा रही है 5 वर्षों से,
उसने कुछ भी क्या नहीं किया है, अपना डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है कि मैंने कैसा फाइनेंशियल वर्क किया है, गलत तरीके से अनलॉफुल वर्क कर रही है, या वो अपने जो भी भुगतान है ऋणों का उनको नहीं कर रही है। तो इन सभी दशाओं में क्या किया जाता है, इन सारी कंडीशन में कंपनी को कंपलसरी या अनिवार्य रूप से बंद किया जा सकता है। अब कौन आवेदन कर सकता है ये देख लेते हैं। आवेदन कौन कर सकता है, कंपनी का न्यायालय द्वारा समापन करने के लिए निम्नलिखित व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। कंपनी स्वयं, कोई भी भावी या वर्तमान ऋणदाता, कोई भी धनदाता या अंशधारी जो शेयर होल्डर होगा, रजिस्ट्रार, केंद्र सरकार की अनुमति से रजिस्ट्रार। अब रजिस्ट्रार देखेगा कि 5 ईयर्स हो गया, इसने अपना फाइनेंशियल डिटेलिंग मुझे नहीं दिया है जो उसको देना चाहिए था, तो वो भी बोल सकता है। कोई अधिकृत व्यक्ति, ऑथराइज पर्सन, वो भी क्या कर सकता है, केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्ति या ऑथराइज पर्सन भी क्या बोल सकता है, इसके लिए एप्लीकेशन दे सकता है। कंपनी खुद भी दे सकता है, कोई ऋणदाता वो भी दे सकता है, और कोई शेयर होल्डर हो जिसने पैसा लगाया और उसे लग रहा हो कि ये अनलॉफुल वर्क कर रही है, ठीक से काम नहीं कर रही, तो वो भी एप्लीकेशन दे सकती है फॉर कंपल्सरी वाइंडिंग। तो ये क्या था हमारा, कंपल्सरी था। अब हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे इसके बाद, वॉलेंटरी। वॉलेंट्री या ऐच्छिक समापन क्या होता है, वॉलेंट्री वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि जब अपनी इच्छा की बात कर रहा है। तो क्या बोल रहा है, जब कंपनी के सदस्य तथा इसके लेनदार मिलकर न्यायालय में के हस्तक्षेप के बिना इसके समापन की योजना बनाते हैं तो इसे ऐच्छिक समापन कहते हैं। एक कंपनी का ऐच्छिक समापन निम्नलिखित दशाओं में किया जा सकता है। वॉलेंट्री wind up means wind up by the member or the creditor of a company without interference of the court. जब court का कोई interference नहीं है, उसके interference के बिना company के जो members हैं और जो company के creditors हैं, वो मिलके क्या कर रहे हैं, company को बंद करने का, उसको end करने का क्या कर रहे हैं, planning कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, तो हम उसे क्या बोल सकते हैं, company का ऐच्छिक समापन कह सकते हैं। अब कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं, जब कंपनी निश्चित अवधि के लिए स्थापित की गई हो तो अंतर नियमों के अनुसार उसकी अवधि समाप्त होने पर, अगर कंपनी को किसी, क्या बोल रहा है, रिसोल्यूशंस फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, द रिसोल्यूशन में भी टू टाइप्स, ऑर्डिनरी रिसोल्यूशन और स्पेशल की बात कर रहा है, फिर ऑर्डिनरी में बता रहा है और स्पेशल में बता रहा है। इट इज पास व्हेन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड दैट द कंपनी इज wound up when the specified period elapsed, मतलब हमने एक स्पेशल वर्क के लिए वो कंपनी को बनाया था, वो टाइम पीरियड खत्म हो गया तो वो कंपनी को अब हम खत्म कर देंगे। जैसे कुछ वर्क जो है अभी कोविड के लिए बनाए गए होंगे, क्योंकि अभी कोविड पीरियड चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, ये खत्म हो जाएगा तो इस पर्पस के लिए जो कंपनीज बनाई गई होंगी या जो वर्क करने, वो उसका पीरियड वहाँ खत्म हो जाएगा और उसको फिर हमको क्या करना पड़ेगा, वाइंड अप करना पड़ेगा। तो जो किसी स्पेशल पर्पस से बनाई जाती है, एक निश्चित अवधि के लिए बनाई जाती है, वो अवधि खत्म होने पर उसको ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाती है, उनको खत्म करना होता है। यदि अंतर नियमों के अनुसार किसी घटना के घटित होने पर कंपनी का समापन होना चाहिए, तो उस घटना के घटित होने पर, अगर हमने कुछ एक डिसाइड किया है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो अपनी कंपनी को एंड कर देंगे, तो वो एक सिचुएशन आने पर कंपनी को एंड कर देंगे। इट रिक्वायर्स नो ग्राउंड फॉर वाइंडिंग अप एंड इट इज यूज in any other case such as solvent liquidator. या क्या हो सकता है, यदि कंपनी विशेष प्रस्ताव करके ऐच्छिक समापन करना चाहे, कोई कंपनी अगर करना चाहे तो कर सकती है। ठीक है, हमको समझ में आया कि कंपनी का जो वाइंडिंग अप है, जो समापन है, सबसे पहले मुझे समझना था, वो मैंने समझ लिया क्या होता है। एक प्रोसेस होती है जो कंपनी के एंड होने के लिए की जाती है। अब इसको करने के मैंने देखे दो तरीके थे, पहला था वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल और कंपलसरी वाइंडिंग अप, और दूसरा था वॉलेंटरी। कंपलसरी में हमने क्या देखे, विशेष प्रस्ताव द्वारा किया जा सकता है, अगर कोई नैतिकता के विरुद्ध कार्य कर रहा है तो कर सकते हैं, कपटपूर्ण रीति से कार्य कर रहा है
अपनी वार्षिक विवरणों की फाइल नहीं दे रहा है, रजिस्ट्रारों को अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ है, तो वो क्या कर सकता है, कंपनी का कंपलसरी वाइंड अप किया जा सकता है। फिर हमने दूसरा क्या देखा, कौन कौन कर सकता है, हमने ये भी देखा कंपनी खुद भी वाइंड अप कर सकती है चाहे तो बाय कंपनी इटसेल्फ, कंपनी के ऋणदाता या ऋणदाताओं के द्वारा, बाय क्रेडिटर और क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, बाय कॉन्ट्रीब्यूटर जो शेयर होल्डर्स होते हैं, रजिस्ट्रार अगर उसने नहीं दिया है तो रजिस्ट्रार बोलेगा कंपलसरी के लिए, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, लिक्विडेटर, ये क्या कर सकते हैं, कंपनी के समापन के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। फिर हमने क्या देखा कि वॉलेंट्री बोलना चाहिए जिसको, ऐच्छिक समापन क्या होता है, कंपनी का ऐच्छिक समापन क्या होता है, जब वो अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से क्या करना चाहता है, कंपनी को बंद करना चाहता है। तो इस सिचुएशन में कंपनी के क्रेडिटर और मेंबर मिलके क्या करते हैं, इसकी योजना बनाते हैं और ऐच्छिक समापन कर सकते हैं। बाय ऑर्डिनरी रिसोल्यूशन मतलब कि साधारण प्रस्ताव द्वारा भी किया जा सकता है और विशेष प्रस्ताव द्वारा भी किया जा सकता है। कंपनी की क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, हमने देखी कि कंपनी का क्या हो रहा है, किसी पर्पस के लिए बनाई गई थी वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया, या कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो सोच रहे हैं कि हमको अब नहीं करना है कंपनी को आगे कंटिन्यू, तो वो भी अपनी इच्छा से कर सकते हैं। और अगर उन्होंने किसी स्पेशल पर्पस से कि ये अगर ये कंडीशन आती है तो हम उस कंपनी को बंद कर देंगे, तो वो उस कंडीशन में भी क्या कर सकते हैं, उसको बंद कर सकते हैं। देखो इसमें बता रहा है ऐच्छिक समापन का प्रारंभ, ऐच्छिक समापन उस तिथि से प्रारंभ माना जाता है जिस तिथि को ऐसा करने के लिए आवश्यक प्रस्ताव पारित किया गया हो। कंपनी की स्थिति पर प्रभाव, अंश हस्तांतरण पर प्रतिबंध, सदस्यों की स्थिति में परिवर्तन नहीं, समापन का प्रारंभ, ये सारी क्या है, ऐच्छिक के लिए है। ये हमने क्या पढ़ा, कंपनी का समापन और उसके मोड्स पढ़े। अब कौन कौन से उसमें क्या हो सकते हैं, मेंबर्स हो सकते हैं, हम वो सब देखेंगे, क्योंकि हमने जब फर्स्ट स्लाइड देखा था तो देखो हमने क्या देखा था कि कंपनी का जो समापन है या वाइंडिंग अप जो है, हमने क्या देखा था, दो तरीके से हो रहा था, कंपलसरी, कंपलसरी किस किस सिचुएशन में, कंडीशन में, वो हमने डिस्कस कर लिया। वॉलेंट्री में क्या दिख रहा है, मेंबर्स और क्रेडिटर्स, तो हमें किसके बारे में पढ़ना है, पहले हमने ये देख लिया कि वॉलेंट्री जो वाइंडिंग अप है वो कैसे किया जाता है, अब उसमें किसकी बात कर रहा है, मेंबर और क्रेडिटर्स की बात कर रहा है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे।
मैम आपका माइक म्यूट है। अभी सुनाई दे रहा है? यस मैम। कहाँ तक वो पहुंच गए थे? हमने देखा था कि कंपनी के समापन के प्रकार, हमने देखा कि जब हम वॉलेंट्री वाइंडिंग अप करते हैं तो उसको दो टाइप से कर सकते हैं। हमने डेफिनेशन में जैसे देखा कि वॉलेंट्री वाइंडिंग अप जो होता है उसको हमने देखा कि वो मैम, हमने क्या देखा कि वो अपनी इच्छा से कौन कौन, क्रेडिटर और मेंबर, मतलब कि ऋणदाता और सदस्य मिलके क्या कर रहे हैं, वाइंडिंग अप या समापन करना चाह रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं उस सिचुएशन में, वो गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो वो किस किस सिचुएशन में कर सकते हैं, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, कंपनी के प्रकार में। जैसे मैंने ये देखा, हम टाइप्स ऑफ वॉलेंट्री वाइंडिंग अप दो तरीके से कर सकते हैं। वॉलेंट्री वाइंडिंग अप में बी अ मेंबर ऑफ वॉलेंट्री वाइंडिंग अप और क्रेडिटर, या तो हम क्या कर सकते हैं, सदस्यों द्वारा ऐच्छिक समापन कर सकते हैं या ऋणदाताओं द्वारा ऐच्छिक समापन कर सकते हैं। जब हम सदस्यों द्वारा ऐच्छिक समापन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले वो क्या बोल रहे हैं कि जब कंपनी अपने ऋणों का भुगतान करने में समर्थ है और उसके सदस्य कंपनी का समापन करने का निश्चय करते हैं, मतलब कि वो कैपेबल है पे करने के लिए, कंपनी चलाने के लिए, फिर भी उन्होंने डिसाइड किया है वो कंपनी को एंड करना चाहते हैं, वाइंड अप करना चाहते हैं, उस सिचुएशन में उसको क्या क्या करना होगा। सबसे पहले उसके जितने भी क्या होंगे, डायरेक्टर्स होंगे, संचालक होंगे, उन सभी को रजिस्ट्रार के पास डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी का को भेजना पड़ेगा। उसके बाद सेकेंड उसको क्या करना पड़ेगा, एक जैसे बता रहा है, क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ मेंबर वॉलेंटरी वाइंडिंग अप, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव टू मेक डिक्लेरेशन टू फैक्ट द कंपनी हैज नो डेब्ट, उसका कोई डेब्ट नहीं है। डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल कॉल अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग एंड मेक अ डिक्लेरेशन, वो क्या करेगा, एक एफिडेविट लगा के भेजेगा, क्या बोल रहा है कि उसकी शोधन क्षमता की घोषणा उसे करनी होगी। और उसके बाद उसको क्या करना होगा, वैधानिक घोषणा के पश्चात अंशधारियों को कंपनी समापन के लिए प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए। जो भी कंपनी के अंशधारी, उनको क्या करना चाहिए, इसको समापन को स्वीकार करना चाहिए। क्या बोल रहा है, ये तो अपना क्या था, मेंबर्स जब करना चाहते हैं अपनी इच्छा से। और क्या हो सकता है, दूसरा कौन था, ऋणदाता। कई सिचुएशन क्या आएगी, जब ऋणदाताओं के द्वारा क्या किया जाता है, ऐच्छिक समापन किया जाता है। जब ऋणदाताओं के द्वारा ऐच्छिक समापन किया जाता है तब क्या होता है, ऋणदाताओं द्वारा ऐच्छिक समापन का अर्थ, जब कंपनी के संचालकों द्वारा कंपनी रजिस्ट्रार के पास कंपनी की शोधन क्षमता की कोई घोषणा प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो इस दशा में जो समापन होता है वह ऋणदाताओं द्वारा ऐच्छिक समापन कहलाता है। ऋणदाताओं द्वारा ऐच्छिक समापन की स्थिति उस समय उपस्थित होती है जब कंपनी के सदस्यों की व्यापक सभा ऐच्छिक समापन के लिए प्रस्ताव पारित करती है किंतु शोधन क्षमता की घोषणा करने में असमर्थ रहती है। इस कारण कंपनी की आर्थिक स्थिति कमजोर होना हो सकता है किंतु ऐसा होना अनिवार्य नहीं है। तो क्रेडिटर के थ्रू क्या बोल रहा है, द कंपनी हैज नो डेब्ट टू पे, द कंपनी विल रीपे इट्स डेब्ट If any within 3 years from the commencement of the winding up as a specified in declaration, अगर उसने declaration कर दिया तो क्या बोल रहा है, creditors voluntary winding up where the resolution for the winding up has been passed but the director are not in a position to give declaration on the liability of company, there may call meeting to the creditors for the purpose of winding up. उस सिचुएशन में क्या होता है, इट इज द ड्यूटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू प्रेजेंट फुल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी अफेयर्स एंड लिस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स अलोंग विद देयर ड्यूज before the meeting of the creditor, whatever the resolution passed by the company in meeting shall be given to the registrar within 10 days of its passing. Once the company is fully wound up, its assets and the properties are sold
or distributed shall be pay off to the creditor in equal proportion of their, and therefore any property of money are left may be distributed among the members according to their rights interest in the company. तो क्या बोल रहा है कि हमने क्या देखा कि winding up या company का जो समापन है वो क्या कहलाता है, उसकी एक process होती है. ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कंपनी को क्या किया जाता है, वैधानिक रूप से या लीगल तरीके से एंड किया जाता है. इसको इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, डेफिनेशन हो सकती है. हम कंपनी का समापन दो तरीके से किया जा सकता है. पहला हमने देखा ट्रिब्यूनल के द्वारा, या जिसको बोलते हैं अनिवार्य या कंपल्सरी वाइंडिंग अप, और दूसरा होता है वॉलेंटरी, अपनी इच्छा से. अपनी इच्छा से अगर कंपनी करती तो वो दो तरीके से हो सकता है, मेंबर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप और क्रेडिटर, मतलब कि सदस्यों द्वारा और ऋणदाताओं के द्वारा. क्लियर है?